हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारी वीडियो सीरीज में। आज हमारे पास है टोयोटा की इनोवा डीजल इंजन। इसमें प्रॉब्लम है, सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट नहीं लेती है, धक्के से स्टार्ट करें तो दिन भर स्टार्ट होती है गाड़ी, बाकी जो भी स्टार्टिंग प्रॉब्लम है सुबह में होती है। तो इसका हम चेक करने वाले हैं क्या फॉल्ट है और किधर से फॉल्ट है, सारा प्रोसेस चेक करेंगे। इसमें ज़्यादातर आप सभी भाइयों को आइडिया होगा कि सुबह अगर ठंडी में स्टार्ट ना हो तो ग्लो प्लग की प्रॉब्लम होती है, तो इसमें ग्लो प्लग काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो सारा प्रोसेस देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। मैंने ऑलरेडी वहाँ पे एक टेस्टिंग लाइट बल्ब लगाया हुआ है जो आप देख पा रहे हैं, वो यहाँ से ऑन करने पर ग्लो होगा, ठीक है। तो इग्निशन हमने ऑन किया, वो लाइट वहाँ ग्लो हो रही है। अभी तक टाइमिंग बिल्कुल सही है, परफेक्ट टाइमिंग पे वो अपना काम कर रही है, वो टाइमिंग सही है। यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से आपको ग्लो प्लग इंडिकेटर आएगा और चला जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये स्टार्ट नहीं हो रही है और ग्लो प्लग हमारा काम कर रहा है। ठीक है, ये टाइमिंग अभी कट करा तो इसको हम फिर से चेक करेंगे और क्रैंक अगेन करेंगे। फिर भी नहीं हुई, काफी लंबा क्रैंकिंग है। और जब स्टार्ट एक बार ये हो जाएगी, टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर ये मतलब सेल्फ लगाते ही स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए हम चेक करते हैं प्रोसेस अपना, जो भी स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं क्या फॉल्ट है इसमें। तो अभी हमने सुबह सुबह इसमें ये लगा के, जैसे कि आपको दिखाया, ये हमारा ग्लो प्लग का टाइमर है, स्टार्टर का है, और ये हमारा ग्लो प्लग है, ठीक है। ये 1 2 3 4, तो ये ग्लो प्लग चारों को चारों कहीं से चेंज होकर के आया है। फिर भी हम यहाँ के सप्लाई चेक करेंगे, सप्लाई वहाँ तक आ रहा है कि नहीं। तो एक टेस्टिंग लाइट और लेंगे और इसमें इसके पोल में तो लगा के चाबी ऑन कर दो, इसको यहाँ पे रखेंगे। तो दोनों का टाइमिंग हमारा परफेक्ट होना चाहिए, एक साथ काम करना चाहिए। तो यहाँ पे पावर आ रहा है, पावर आ रहा है मतलब यहाँ तक प्लग तक पावर सही जा रहा है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कट भी सही टाइमिंग पर हो रहा है। अब हम इसका चेक करेंगे फ्यूल लाइन, फ्यूल का प्रेशर वगैरह, जो कि पंप भी बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी हम दो चार पंप कर लेंगे इसमें। ये इसका हैंड प्राइमर है, जब आप स्टार्ट करो तो मारो सेल। देख पा रहे हैं नहीं हो पा रहा स्टार्ट, रहने दो, इतने में इसको स्टार्ट हो जाना चाहिए, फिर भी ये स्टार्ट नहीं हुआ, जो कि हमारा हीटर भी काम कर रहा है और फ्यूल भी हमारा सही जा रहा है बिल्कुल। तो अब हम इसको बारीकी से हमको चेक करना होगा इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो अभी हमने इसको फिट कर लिया है और इसका स्टार्टर भी हमने टाइट कर लिया है परफेक्टली। अभी जो सर्विस किया था फिर से बंद करके, तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है भाई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।